नॉइस कंप्यूटर के चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने दोस्तों में साझा करें। आज हम लेकर के आए हैं कीबोर्ड से जुड़ी एक ऐसी की के बारे में जो हर एक कीबोर्ड में होता है, लेकिन हो सकता है कि अधिकतर लोगों को नहीं पता है कि कैसे हम इसको लिखेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं कि 400 रुपये हमने लिखे हैं, तो 400 रुपये जो यहाँ लिखा है रा, ये नया हमारा करेंसी सिंबल है। जैसे कि पहले हम आर एस लिखते थे, अब आजकल ये नया हमारा जो इंडियन रुपये का सिंबल है इस तरीके से हो गया है। तो कीबोर्ड में, हर एक कीबोर्ड में देखते हैं यहाँ पर ये ऐसे कीज बनी होती है। ये इसको हम लाना चाहते हैं तो ऐसे नॉर्मली आप लिखेंगे तो नहीं आएगा। हम लिखना चाहते हैं कहीं पर, इसे देना चाहते हैं, तो इस प्रकार से आप नहीं लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं 400 और हम की को प्रेस करते हैं, जैसे की को हम प्रेस करेंगे ये लिख गया 400 रुपये। तो ये हमने इस फॉन्ट को डाउनलोड करके रखा है, ये फॉन्ट होता है। इस फॉन्ट को आप डाउनलोड कर लेंगे, इंटरनेट से आपको फ्री मिल जाएगा और फिर ये एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर जैसे कि हमने फॉन्ट का नाम दे रखा है ये रूपी फॉन्ट, इसमें जैसे आप क्लिक करेंगे ये तुरंत लिख जाएगा। अगर जैसे हम फॉन्ट चेंज करते हैं कंप्यूटर में, तो फॉन्ट चेंज करते ही ये क्या होगा, हट जाएगा। और इसको जैसे यहाँ से हम फॉन्ट बदल देते हैं और ये सिंबल हमारा बन जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से इसको यूज में ला सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, ताकि हमसे जुड़ी हर एक अपडेट आप तक आसानी से पहुंच पाए और आप हर एक नई नई चीज़ों से अपडेट रहें। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लोगों में अपने शेयर कर दें। आगे देखते हैं, तो इस तरीके से आप इसको डाउनलोड करके रख सकते हैं। कैसे हम डाउनलोड करेंगे, हम गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं डाउनलोड रूपी फॉन्ट, इसका जो फॉन्ट है इसको यहाँ से हम सर्च कर देते हैं। सर्च करते ही नीचे यहाँ पर खुलकर आ जाएगा, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ डाउनलोड के लिए आएगा। यहाँ से हम इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे, फिर ये फॉन्ट जो है हमारे कंप्यूटर में एक्टिव हो जाएगा, जहाँ से हम इसका प्रयोग कर पाएंगे आसानी से। और ये जो दिया गया है सिंबल, इसका प्रयोग आप किसी भी कंप्यूटर के किसी भी प्रोग्राम में आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसा आप सभी लोग देख पा रहे हैं, अब डाउनलोड फॉन्ट पर हम क्लिक करेंगे। इस पर जैसे क्लिक करेंगे डाउनलोडिंग थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। ये जिप फाइल में डाउनलोड होकर हमारे सामने आ गया। यहाँ से इसको हम ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पर दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरीके से खुलकर इंटरफेस आएगा। यहाँ से इंस्टॉल, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे पहले से इंस्टॉल है, तो इसलिए जो है इसको हमें नहीं करना है। ये कह रहा है कि ऑलरेडी जो है इस कंप्यूटर में इंस्टॉल है, तो हमको इसको नो कर देना है या इसको हम स्टॉप कर देंगे और कैंसिल कर देंगे। तो आप लोग इस तरीके से इस फॉन्ट को डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में इस रूपी सिंबल को आसानी से यूज मिला सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जैसे कोई कंप्यूटर है, उसमें हम कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, कंप्यूटर पे जो खुला हुआ है, कोई वेबसाइट खुली हुई है या कुछ कोई प्रोग्राम में हमने खोल के रखा है, उसको हम स्क्रीनशॉट के रूप में लेना चाहते हैं। तो यहाँ से एक फॉन्ट होता है, इसमें फॉन्ट क्या, ये एक टूल्स है, टूल्स का नाम होता है, यहाँ पे आप SN स्निपिंग टूल, जैसे इस पर लिखेंगे SN सर्च वाले बॉक्स में, तो यहाँ ऊपर सबसे ऊपर आ जाएगा। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये इंटरफेस इस तरीके से हो जाएगा। अब आपको जितना स्क्रीनशॉट लेना है, इसको यहाँ से घेरिए, इसको इसे हम घेर लेते हैं, ये यहाँ तक हो गया। अब इसको आप यहाँ से सेव कर लीजिए डेस्कटॉप पे या जहाँ पर आप सेव करना चाहें, सेव कर दिया। तो इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट बहुत आसानी से ले सकते हैं किसी भी इमेज का, ऑब्जेक्ट का या प्रोग्राम का। जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल के रखे हैं, हम इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तो यहाँ से आप लिखिए टूल को और यहाँ से मिनिमाइज कर लेते हैं। यहाँ हमने अभी सेव नहीं किया है, इसको सेव कर देते हैं। यहाँ सेव हो गया। अब यहाँ से आप फिर से जाइए और टाइप करिए। यहाँ टाइप करने के तुरंत बाद सेलेक्ट करने के लिए मांगेगा, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, माउस बटन दबाए रखेंगे तो हम घेर लेंगे, छोड़ देंगे। जैसे आप छोड़ेंगे स्क्रीनशॉट हो जाएगा। और इसको यहाँ से आप सेव कर लीजिए, सेव पर जाकर यहाँ से हम कोई नाम देकर सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, जो बहुत ही यूनिक चीज़ें हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सूचना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।